हम क्या बोलेंगे? उनको सच बोलना चाहिए, उनको एक प्रधानमंत्री होते हुए एक सच बोलना चाहिए। सियाचिन में जाते हैं, बोलते हैं कि उनको सब कुछ दे देंगे। क्या दिया और अब तक क्या दिया? मेरे पति के मैं उनका पेंशन देखती हूँ, हमें पता है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जान लगाकर सेवा की है, जान दिया है, तीन बार सैनिकों को पीटा है। पहला ऐसी सरकार है जिसने आज तक स्वतंत्र भारत में तीन बार मारा है। इसी क्या मोदी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया जो आप लोगों से वादा किया? मोदी सरकार ने बिल्कुल वादा नहीं पूरा किया। मोदी जो है, जब त्रिपुरा में इलेक्शन हुई है उधर खुद माना है एक्सर्समैन के पास कि जो वन रैंक वन क्या करेंगे, अब क्या रास्ता तो सरकार का कार्यकाल अभी होने वाला है। अभी जो है अभी खत्म होने वाला नहीं, अभी हम जल्दी खत्म करेंगे इसको। हमारी MSP जो है, जवान और सूबेदार मेजर तक MSP आज भी 5,200 रुपए सर्विंग को दे रहे हैं। वादा जो वादा क्या पूरा किया इन्होंने? क्या वादा पूरा किया है? कुछ वादा पूरा नहीं किया। क्या अनाउंसमेंट हुई थी वो पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देंगे कि दबा देंगे इसको भी, जैसे झूठ बोलते हुए चलते हुए आ रहे हैं, क्या ये भी दबा देंगे? हम ये जानना चाहते हैं। काफी गुस्से में है देश का जवान, गुस्से में है देश का किसान, गुस्से में है। ये सरकार फौजियों के लिए झूठी सरकार रही है, फौजियों को झूठ बना रही है। हम मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे उसे पूरा करें, ऐसे जो है कुछ रुके ना छोड़े। देखो मैं, ये हालत है भाई जी, ये देखो दिखाओ, कमेटी के भंगी भी भाग रहे हैं, पूर्वोत्तर का लोग काफी नाराज हैं। भाई मेरा देख, मैं 83 साल का हूँ, वायदा करके मुकर गया, वन रैंक वन पेंशन नहीं दी, रुपए में 54 नहीं दी, और रुपया बताता है। देखिए जवान नाराज है, किसान नाराज है, लगातार जवान कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हालात